साथियों, आज का हमारा अपना जो विषय है वह है छंद। आज हम छंद पर चर्चा करेंगे। छंद का यदि हम शाब्दिक अर्थ कहें और बात करें तो होता है पद्य, छंदासी छादना। छंदों द्वारा ही भाव तथा रस का आच्छादन किया जाता है, इसलिए इसे छंद कहा जाता है। दूसरे रूप में हम कहें छंद की परिभाषा तो यद अक्षर परिमाणम छंद तत् छंद है। निश्चित वर्ण, यति, गति, मात्रा, चरण, गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना जो होती है वह छंद कही जाती है। बात आती है कि छंद के ज्ञाता कौन रहे, तो छंद के ज्ञाता पिंगल मुनि को माना जाता है। वैसे हम कहें तो छंद मीमांसा के, जो वैदिक छंद मीमांसा है उसके अनुसार तो जो छंद के आदि प्रवर्तक हैं वो शिव हैं, और उन्हीं से जो बृहस्पति, इंद्र, शुक्र, मांडव्य आदि के द्वारा यह परंपरा आगे बढ़ी और विकसित और परिवर्तित होती हुई जो पिंगल मुनि तक आई। पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र में सूत्रों को लिखा और जिसका नाम पिंगल सूत्र कहलाया। आचार्य के कहें तो हम काव्य के लिए गुण, अलंकार, रस आदि की अपेक्षा होती है, वह चाहे गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य। किंतु जो काव्य हेतु, पद्य काव्य हेतु जो आवश्यकता है वो मुख्य उपादान है छंद। छंद निर्माण के लिए मात्रा, वर्ण, संख्या, यति, विराम, लय, गण, तुक आदि की आवश्यकता होती है। इन नियमों को छंद नियम कहते हैं। इस पद्य रचना का दूसरा नाम ही छंद कहा जाता है। यदि हम अब इन जो छंदों नियम के अंतर्गत जो ये आते हैं, मात्रा, वर्ण, संख्या, यति, विराम, लय, जो नियम हैं ये क्या है, तो मात्रा यदि हम कहें तो लघु और गुरु, जिसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि लघु मात्रा ये कही जाती है और गुरु मात्रा ये कही जाती है। अब ये लघु और गुरु मात्रा लगती कैसे है, तो जो हमारे स्वर होते हैं ये सब ह्रस्व है और ये ह्रस्व है इनों की मात्रा होती है। इसको हम एक मात्र भी कहते हैं, लघु भी कहते हैं, लघु वर्ण कहे जाते हैं। इसी प्रकार से जो मात्रा होती है वह दीर्घ होती है। जो दीर्घ वर्ण होते हैं आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, अ, इनों पर जो ये सारे दीर्घ वर्ण हैं, ये मात्राएं दीर्घ मात्राएं कही जाती हैं, जिसके लिए हम जो अवतरता चिन्ह लगाते हैं। इन वर्णों को हम विमात्रिक भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। अलग आता है वर्ण संख्या। जो वर्ण संख्या है तो वर्णों की संख्या क्या है, तो ये जो है ये एक मात्रिका है, इसकी एक संख्या है, ये द्विमात्रिका दो संख्या है। प्लुत वर्ण भी होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, एक मात्रिक है और लघु। दीर्घ द्विमात्रिक है, इसका चिन्ह ये है और इसका चिन्ह जो दीर्घ है उसका चिन्ह ये है। प्लुत है ये त्रिमात्रिक कहलाता है। और जो त्रिमात्रिक है इसकी मात्रा इस तरह से की जाती है। और ये जो ये वर्ण है ये रिस्व और दीर्घ दो प्रकार के वर्ण कहे जाते हैं। अब आता है यति। यति क्या है, यति कहते हैं विराम को या जो रुकना है, जो अवरोध है उसको हम यति कहते हैं। जब भी हम कोई पद्य बोलते हैं तो कहाँ पर हमें विराम लेना है उस
स्थान विशेष को यज्ञ कहा जाता है। लय, जो लय है वो है हमारा प्रवाह, जिसे उसे ही हम गति भी कहते हैं। चरण भी एक इसमें हम जब छंद पढ़ते हैं चरण भी विशेष रूप से रखा जाता है। चरण को हम पाद भी कहते हैं, और जो पाद जब हम कोई भी पद पढ़ते हैं जिसमें चार चरण होते हैं, और उन चार चरणों में जो वर्णों की गणना होती है या मात्राओं की गणना होती है उसके आधार पर जो है छंद निश्चित किया जाता है। तो प्रत्येक एक में जो वर्ण होते हैं उसको हम पाद कहते हैं। ये सब जो है छंदोलियाँ के अंतर्गत आने वाले इन सब का हमें जानना आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने अभी प्रारंभ में देखा था कि जो छंद मीमांसा के अनुसार हम देखते हैं कि वेदों से ही छंद की प्रारंभ होता है, और जब हम आगे बढ़ते हैं वेदों के बाद में जब हम संत लौकिक साहित्य पर आते हैं तो हम देखते हैं कि पिंगल मुनि जो है उस छंद शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं या ज्ञाता कहे जाते हैं, लेकिन प्रारंभ हम उनको मानते हैं शिव से। वेदों में जब हम इस छंद की बात करते हैं तो वहाँ पर जो वेदों को समझने के लिए जो सबसे आवश्यक माना जाता है वो वेदांग माने जाते हैं, और वेदांग में जो है छठे नंबर का जो वेदांग है वो छंद कहा जाता है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये छह वेदांग कहे गए हैं। शिक्षा, व्याकरण, कल, निरुक्त, ज्योतिष, ये छह वेदांग कहे गए हैं। इनमें जो छठा छंद है नाम वेदांग है, ये जो है अत्यंत आवश्यक माना गया है छंदों को जानने के लिए या वेदों को जानने के लिए, क्योंकि जो जितने भी हम देखते हैं ऋग्वेद हम पढ़ते हैं तो उन वेदों में जो हम मंडल पढ़ते हैं, ऋषि प्रणेश सूक्त जो पढ़ते हैं उनमें हमें मालूम चलता है कि वो त्रिष्टुप छंद में लिखे गए हैं, कोई गायत्री छंद में लिखा हुआ है, कोई जगती छंद में लिखा हुआ है, तो उसके ज्ञान के लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि छंद की हमें जानकारी हो, और इसीलिए वहाँ पर कहा गया है छंदः पादोस्तु वेदस्य। जो छंद है वह वेदों के पाद हैं, क्योंकि पैर पर हम देखते हैं कि शरीर का पूरा भार होता है वो भी पैर पर होता है, और जो और वेदों को समझने का जो पूरा दारोमदार है वो भी छंद पर है, इसलिए छंदः पादोस्तु वेदस्य इस प्रकार से कहा जाता है। अब बात आती है वैदिक छंद और लौकिक छंद में फर्क क्या है, क्योंकि वहां पर त्रिष्टुप छंद थे, वहां पर अनुष्टुप छंद तो था लेकिन अभी इस समय अनुष्टुप छंद है उसको श्लोक कहा जाता है, वहां पर जगती छंद था, और इस समय जो है छंदों की बहुत लंबी श्रृंखला है, कोई 88 छंद मानता है, कोई 100 के ऊपर भी गणनाएं चली जाती हैं। तो छंद में वैदिक छंद में और लौकिक छंद में फर्क क्या है, तो हम देखते हैं कि वैदिक छंदों में जो है पादों की रचना अक्सर संख्या पर निर्भर थी और स्वर पर निर्भर थी, और जो लौकिक छंद हैं वहाँ पर जो गुरु, लघु, वर्ण तथा गण का विचार किया जाता है। जहाँ मात्रिक छंद होते हैं वहाँ गुरु, लघु आदि का विचार किया जाता है, जहाँ पर वर्णिक छंद होते हैं वहाँ पर गण का विचार किया जाता है। वैदिक छंद में जो छंद हैं वो एक पाद, त्रिपाद, पंचपाद भी हुआ करते थे, इस तरह के जैन में प्राप्त होती हैं। अतः वहाँ पर जो पाद जो एक छंद छंदोलियम के अंतर्गत एक पाद आता है, उस पाद का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वहाँ पर चतुर्थांश नहीं था इसलिए। लेकिन अब जो नए छंद हैं लौकिक छंद हैं उन्होंने चार ही पाद होते हैं, और चार पाद चार चरण होते हैं, चार पाद होते हैं, इसलिए उसको चतुर्थांश का वहाँ पर मेहनत निकलता है, वहाँ पर मेहनत होता है। अनुष्टुप छंद पहले भी था, आज भी है, और उसको आज के समय पर हम श्लोक कहते हैं। पहले जो 11 वैदिक छंद था उसमें 11 अक्षर का जो छंद था उसको हम त्रिष्टुप छंद कहते थे, आज 11 वर्ण का जो छंद है उसको इंद्रवज्र छंद कहते हैं, क्योंकि इंद्रवज्र और उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं। जगती छंद जिसमें कि 12 अक्षर होते थे, आज जो लौकिक छंद है उसमें भी 12 वर्ण पर वंशस और ध्रुत विलंबित जो छंद है उन्होंने वर्णों की गणना होती है। ये हुए हमारे वैदिक और लौकिक छंद। अन्य रूप में
यदि हम इन छंदों का जो भेद करें तो हम देखते हैं कि छंदों का विभाजन जो हम करते हैं तो छंद हमारे होते हैं दो प्रकार, वैदिक और लौकिक। फिर हम जब लौकिक छंदों का फिर वो करते हैं तो ये आते हैं मात्रिक, मात्रिक और वर्णिक। मात्र छंद में हम जो है आर्य जाति छंद है, आर्य छंद है जिसको हम जाति छंद कहते हैं वह लेते हैं, और वर्णिक छंद के फिर तीन भेद किए जाते हैं, वह संवृत, अर्धसंवृत और विषमवृत। संवृत क्या है, अर्धसंवृत क्या है, विषमवृत क्या है, सबसे पहले बात समझने की है। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, तो वर्णों की जहाँ पर गणना की जाती है वहाँ पर वर्णिक छंद होते हैं, जहाँ पर मात्राएं छंद का निर्धारण करती हैं वहाँ मात्रिक छंद कहा जाता है, जो कि एकमात्र है आर्य जाति छंद। इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और वो मात्राओं के लिए हम जब बात करते हैं तो वो मातृ छंद में जो पांच गण होते हैं वे हैं सर्वगुरु, अंतःगुरु, मध्यगुरु, आदिगुरु, सर्वलघु। इस प्रकार से इसकी मात्राएं कही जाती हैं। जैसे सर्वगुरु है, इसमें जितने भी हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें फर्क यह है क्योंकि यहाँ टाइप होने में नहीं आ रहा था अग्रह या गुरु का चिन्ह, तो यहाँ पर मैंने पांच जो है वो गुरु का चिन्ह दिया है, वैसे गुरु का चिन्ह होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर है सर्वगुरु, मतलब सभी जो तीनों गण मिलकर जो बनता है उसमें सभी जो वर्ण है वो गुरु हैं। अंत गुरु मतलब अंतिम जो वर्ण है वो गुरु है, मध्य गुरु मध्य वर्ण गुरु है, और प्रारंभ का जो वर्ण गुरु है वहाँ पर आदि गुरु, और सब लघु जहाँ पर सभी लघु है। मातृ छंद को हम जाति छंद भी कहते हैं, और आर्य जाति छंद इसका उदाहरण है। मात्राएं का जब नियम है, जब मात्रिक छंद की बात करते हैं तो मात्रिक छंद में हमने जो हमने भेद किया, अब हम आते हैं मात्रिक छंद पर, क्योंकि मात्रिक छंद एकमात्र हमारे कोर्स में जो है वो आर्य जाति छंद है, तो हम मात्रिक छंद मात्रिक छंद को पहले पूर्ण कर लेते हैं। तो मात्रिक छंद में इसको कि प्रत्येक चरण में
लघु और गुरु मात्राओं की जो गणना की जाती है वह लघु की एक और गुरु की दो मात्राएं की जाती हैं। और लघु क्या है और गुरु क्या है, अभी पूर्व में मैंने बताया विश्व वर्ण जितने भी हैं, विश्व स्वर जिसमें लगते हैं वो रस स्वर जिसमें लगते हैं ए ई उ री, ये सब है लघु मात्राएं हैं और इसकी उसको एक मात्रिक कहा जाता है। आ ई उ ए ऐ ओ औ अं ए, ये सब जो है ये दीर्घवर्ण, ये सब जो है गुरु मात्राएं लगती हैं। और इसी आधार पर सब गुरु सब लघु और आदि गुरु मध्य गुरु, इस प्रकार से जो ये है इन्हों के पांच गण स्वीकार किए जाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं मातृछंद में आर्य जाति छंद। आर्य जाति छंद है निष्ठा प्रथमे पादे द्वादश मात्रास तथा कति अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थी के अष्टादश द्वितीय चतुर्थी के पंचदश सार्य। यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, जिसके प्रथम पाद में बारह मात्राएं होती हैं और द्वितीय पाद में जो है अष्टादश अठारह मात्राएं होती हैं, तृतीय पाद में फिर बारह मात्राएं होती हैं और पंचदश सार्य चतुर्थ के, जिसमें चतुर्थ जो पाद है उसमें पंद्रह मात्राएं होती हैं वह आर्य जाति छंद कहलाता है। मतलब इसकी हर पाद में मात्राएं अलग अलग होती हैं। यस्य जिसके प्रथम ही पादे प्रथम पाद में द्वादश मात्रा बारह मात्राएं हैं तथा और तृतीय तीसरे पाद में भी बारह मात्राएं हैं, अष्टादश द्वितीय द्वितीय पाद में अठारह मात्राएं हैं, चतुर्थ के और चतुर्थ पाद में पंचदश पंद्रह मात्राएं हैं, वह छंद आर्य जाति छंद कहा जाता है। जैसे कि शाकुंतल में इसका उदाहरण है सुभग सलिला अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनमाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवस परिणाम रमणीय। यदि हम यहाँ पर मात्राएं लगाएं तो हम देखेंगे कि सुभग सलिला अवगाहा छोटा वो है
के लघु 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 गुरु गुरु दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अब हम तृतीय जो पाठ लेते हैं प्रच्छाय सुनक निद्रा, प्रच्छाय सुलभ निद्रा। प्र जो प है चूंकि वह आगमन पहले है उसका कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, रह रह के साथ में चय जो बताया है तो वो अग्रिम अक्षर जो है संयुक्त तो होता है तो सूत्र बन जाता है गुरु। छह में आपकी मात्रा है गुरु लघु 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 नहीं सॉरी गुरु क्योंकि इसमें दय है और ये गुरु और ये गुरु। दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अब चतुर्थ जो है चतुर्थ के पंचदश सार चतुर्थ के चतुर्थ पाद में पंद्रह मात्राएं होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं दिवस परिणाम रमणीय दिवस परिणाम रमणीय। अब यहाँ पर हम जब मात्राएं लगाएंगे तो यहाँ पर लगेंगी लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु और गुरु। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। इस प्रकार से इसमें जो लक्षण पूरा घटित होता है और यदि हम इन मात्राओं को जोड़ें तो इनमें सप्ताह आएंगे तो टोटल मात्राएं होती हैं इसमें सप्ताह। इस प्रकार से 57 मात्राओं वाला ये एक मात्रिक छंद हमारे कोर्स में है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो इसमें इस तरह से आते हैं जैसे छंद सह प्रथम प्रति और चरणयोः द्वादश मात्रा भवन्ति। ऐसा कौन सा छंद है जिसमें कि या जिस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, छंद कौन सा है? तो यहाँ पर आता है आर्यजाति छंद। आर्य छंद से द्वितीय चरणे मात्रा भवन्ति, तो द्वितीय चरणे मात्रा होती है अष्टादश द्वितीय चतुर्थ, तो 18 जो मात्राएं होती हैं वो इसमें होती हैं द्वितीय चरण में। अब आते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद की जब हम बात करते हैं तो जहां पर वर्णों की गणना की जाती है या जो वर्णों की जो गणना जिस छंद को निर्धारित करती है वो वर्णिक छंद कहे जाते हैं। प्रत्येक पाद में प्रत्येक चरण में वर्णों की गणना की जाती है, इन्हें हम रथ छंद भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गण बनता है वृत्त बनता है और इसके लिए हम विशेष रूप से गण का प्रयोग करते हैं और जिसमें गुरु और लघु जिस प्रकार से कि अभी हमने आर्य छंद में मात्राएं लगाई थी मात्राएं उसी प्रकार से लगाई जाती हैं लेकिन वो वर्ण के रूप में परिगणित होती हैं, वर्ण के रूप में गिना जाता है उन्हें और गण बनाया जाता है। इसके लिए एक सूत्र आता है यह माता राजधान सर्वा जो कि यहाँ पर है, यह माता राजभान सलगम, इसको सलगा भी लिखा जाता है सलगम भी लिखा जाता है क्योंकि गय में जब मैं लग गया तो भी गुरु हो गया और गा लिखा जाएगा तो भी गुरु कहा गया। अतः यगण इसके लिए तीन तीन का गण बनाया जाता है और इसमें जब गण बनते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं यगण बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं यगण तगण ये यह माता राजभान सलगम। तो जो आठ वर्ण है इसमें इस प्रकार से यैसे यगण मैसे मगण तैसे तगण रैसे रगण जैसे जगण भैसे भगण नैसे नगण सैसे सगण लैसे लगण और लैसे सभी लैसे लघु और वैसे गुरु। इस प्रकार से आठ गण बनते हैं। आठ गण बनाने का तरीका ये हो जाता है इसमें कि जब यगण हमें बनाना है तो यह माता की अब यह माता जब हम लिखेंगे तो यह माता रा ज भा न सर ल ग तो हमने ये लिखा था हमने जब यगण बनाया तो यह माता इसको किया और यहाँ पर हमने लिखा यह से यह लघु माँ की गुरु और ता की गुरु और यह हुआ यगण। जब हमको मगण बनाना है तो मगण यहाँ पर ये तीन वर्ण आए मा ता र और मा तारा में तीनों गुरु मा ता और र
जिसको हम आगे की स्लाइड से देख सकते हैं, यगन है, ये यगन है। यगन में एक ये जो है यहाँ पर ये लघु है, माँ और ता दोनों गुण हैं, तो यार माता प्रथम लघु और दो गुण। फिर तगण है ताराजय, तो ता मगर में सभी गुरु हैं माँ तारा। जब तगण हम करते हैं तीसरे वर्ण से तगण, तो ताराजय। रगण जब है यह माता राज में चौथा वर्ण है, राज रा, तो राज भा। हम आगे के दो वर्ण और लगा लेंगे और राजभा। इस प्रकार से जो रगण का प्रथम गुरु, फिर लघु और फिर गुरु करके, मतलब मध्य लघु करके, और ये रगण बनेगा। जगण की जब हम बात करते हैं तो आगे के, तो जगण जय के बाद में आगे के दो वर्ण हम इसमें लगा लेंगे, जय भान है। और जय भान में फिर पहला लघु, फिर गुरु और फिर लघु, इस प्रकार से मध्य गुरु करके और जगण बनेगा। जब हम भगन बनाएंगे तो भगन में जो यहाँ पर भान है से आगे के दो वर्ण हम उसमें संयुक्त करते हुए और फिर भगन के जो है चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर बनेगा गुरु लघु लघु। नगर में तीनों ही लघु आएंगे, सर्व लघु कहलाता है ये, क्योंकि न स ल। और उसके बाद में जो सगन बनेगा उसमें दो लघु और एक गुरु, क्योंकि गा है वह गुरु हो जाता है, और यहाँ पर आगे तीन वर्ण संयुक्त कर देते हैं। तो ऐसे करके तीन तीन वर्णों का एक गण बनता है और उनको संयुक्त करते हुए उस गण का नाम रखा जाता है। और ये जो सूत्र है ये इसमें बहुत सहायक होता है। लैसे फिर हम लघु मात्रा लेते हैं और जैसे हम गुरु मात्रा लेते हैं, और इस प्रकार से आठ गण और लघु और गुरु इन मात्राओं को ज्योतित करता है यह माता राजभान का सलगम, यह है जो सूत्र है। अब मात्राओं को कई बार ऐसा होता है कि ठीक है हमने एक सामान्यतः पद्य आया, पद्य में मात्राएं हमने लगा, लेकिन मात्राओं का निर्धारण कैसे करें? क्योंकि सामान्यतः जैसे र आया या र आया या डी आया तो हमने इनकी मात्राएं तो संयुक्त कर ली, लेकिन जहां विसर्ग आया, जहां पर अनुस्वार आया, या जहां पर संयुक्त अक्षर बाद में आया, जैसा कि हम संयुक्त अक्षर लिख रहे हैं कक्ष लिख रहे हैं, हम यज्ञ लिख रहे हैं, तो इनकी मात्राओं का ये गणना कैसे करें, मात्राएं कैसे लगाएं? तो इनकी मात्राओं के लिए और यह फिर पाद की पूर्ति नहीं हो रही है तो हम किस प्रकार से मात्रा का निर्धारण करें, छंद का निर्धारण करें कि कौन सा छंद है, क्योंकि वहां पर किसी अंतिम एक वर्ण की वजह से जो छंद है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे में सूत्र है सानुस्वारश्च दीर्घो विसर्गश्च दुर्भगे वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत को अपिवा। सानुस्वारश्च दीर्घो, जहां पर अनुस्वार होता है, जो अनुस्वार से युक्त वर्ण है वहां पर दीर्घ कहा जाता है, जैसे कि रामम है, रामम ने लिखा तो र तो दीर्घ है ही, लेकिन मैं में चूंकि अनुस्वार है अतः यहाँ यह भी दीर्घ होगा। सानुस्वारश्च दीर्घ विसर्गश्च गुरु भवे, और विसर्ग वाला जो दीर्घ, जो दीर्घ वर्ण है, जैसे कि राम है और राम लिखा हमने या फिर हमने लिखा लता, तो यहाँ पर जो दीर्घ वर्ण है वो अपने आप में दीर्घ है, तो जो अनुस्वार से युक्त है या दीर्घ वर्ण है वहां तो गुरु मात्रा लगेगी। साथ में ये कह रहे हैं विसर्गश्च गुरु भवे, विसर्ग को भी गुरु होगा, जैसे विसर्ग कैसे है रामः हरिः, रामः हरिः, जो ये वर्ण है तो यहाँ पर ये तो दीर्घ है ही, गुरु है ही, लेकिन मैं है, मैं हालांकि रस स्वर है लेकिन उसके पश्चात भी रस स्वर होने के पश्चात के विसर्ग होने से ये हुआ गुरु। ऐसे ही हरि है, हरि रस्व है लेकिन यहाँ पर भी रस्व है लेकिन यहाँ पर विसर्ग होने से ये हुआ गुरु। वर्ण संयोग पूर्वश्च, अब वर्ण संयोग पूर्वश्च, तो जो वर्ण होता है उसका संयोग जहाँ पर होता है उसके पूर्व वाला वर्ण जो है वो भी गुरु कहलाता है। गुरु कैसे होगा? जैसे कक्ष है, कक्ष में ये कह वैसे तो होना चाहिए था रस, लेकिन रस नहीं होकर दीर्घ होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो क्षय है ये संयुक्त अक्षर, और क्षय जो बनता है वो क और क्षय, इन दोनों का संयुक्त अक्षर, तो यहाँ पर जो ये इसमें क्षय जो समाया हुआ है वो बनेगा, इसको दीर्घ बनाएगा, और जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा इसकी मात्रा ये होगी। इसी प्रकार से यज्ञ है इसमें भी ये गुरु होगा और यहाँ पर ये होगा लघु। संबंध संयोग पूर्व
वस्ते तथा पादांत भोग्य। और एक नियम और है कि पद के अंत में यदि किसी कारण से छंद की को पहचानने के लिए या छंद की को की रचना करने के लिए किसी वजह से पाद पूर्ति नहीं हो पा रही है तो अंतिम वर्ण को यदि गुरु हो तो लघु मान लिया जाता है और लघु को तो गुरु भी मान लिया जाता है। ऐसे में ये एक अपवाद कह लें या एक नियम, इसको नियम के अंतर्गत ले लिया, हम अपवाद नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि कितनी बार ऐसा होता है कि लघु को गुरु और गुरु को लघु मान लिया जाता है और छंद को जैसे कि वंशस्थ छंद है या इंद्रवज्र छंद है किसी एक पाद में अंत में गुरु आ रहा है और उसको लघु स्वीकार करना है तो लघु स्वीकार कर लेता है, लघु है तो गुरु स्वीकार कर लिया जाता है। ये हुआ हमारा जो है वर्णिक छंदों का, कि वर्णिक छंदों का निर्धारण किस प्रकार से करें। अब वर्णिक छंदों का हम निर्धारण करते हैं तो ये वर्णिक छंदों का एक सामान्यतः मात्राएं कैसे लगाएं, यह तो सामान्य बात आ गई, लेकिन अब हम आगे चलते हैं तो पाद, तो पाद किसे कहेंगे, तो पाद है जो छंद है उसका चतुर्थांश जो है वो पाद कहलाता है, जो कि अभी मैंने पहले चर्चा भी करी थी वैदिक छंद और लौकिक छंद का, जब मैंने तुलनात्मक थोड़ा सा बताया था उस समय पर मैंने ये चर्चा करी थी कि वहाँ पर पाद या चतुर्थांश की कोई जगह नहीं होती क्योंकि वहाँ पर तीन पद वाले और पांच पद वाले भी छंद होते हैं। यदि छंद जब हम वाचन करते हैं लयबद्ध स्वरबद्ध जब हम उसका वाचन करते हैं तो बीच में विराम जो लेते हैं उसको हम यदि कहते हैं, और यदि के स्थान प्रत्येक छंद में नियत होते हैं वहीं पर वो विराम लिया जाता है। वृत्त में अक्षर अथवा मात्राओं के आधार पर निर्मित पद जो है वो वृत्त अथवा जाति कहलाता है, जो कि मैंने पहले बताया था समवृत्त अर्धसमवृत्त और विसमवृत्त। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है क्योंकि जो सम अर्धसम नहीं ठीक है, या अर्ध में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो सम अर्धसम और विसमवृत्त ये तीन प्रकार के अभी मैंने बताए थे कि वृत्त छंद जो कहे जाते हैं, जहाँ पर चारों पादों के जो वर्ण गणना समान होती है वहाँ समवृत्त, जहाँ पर दो पाद प्रथम और तृतीय पाद में वर्ण गणना समान होती है, तृतीय और द्वितीय और चतुर्थ में वर्ण गणना समान होती है वहाँ पर अर्धसमवृत्त कहलाता है, और जहाँ पर चारों पादों की वर्ण गणना भिन्न भिन्न होती है वहाँ विसमवृत्त छंद कहा जाता है। अब सामान्य जो प्रश्न आते हैं जो हमारे अपने कोर्स के साथ में भी आते हैं स्नातक में और अन्य जो रीट वगैरह परीक्षाएं होती हैं उसमें आते हैं, तो वो आते हैं छंद पाद छंद जब वस्तुनिष्ठ आते हैं तो उसमें इतना लिखा हुआ जाता है, कई बार जो है इसमें छंद पाद कस से तो वेगस से, छंद किसके पाद हैं वेद के, छंदोबद्ध है वेदो अस्ति, छंदोबद्ध वेद कौन सा है सामने, छंद सूत्राणि विरचितानि छंद सूत्र किसके द्वारा रचा गया है पिंगल मुनि के द्वारा, लौकिक छंद है भवति द्विधम, श्लोक से चतुर्थ अंश भवति, श्लोक का चतुर्थ अंश क्या है पादः, छंदो व्यवस्थायां गणा सन्ति अस्तौ आदि गुरु ग्रह भवति भगण है जगण से वंचित वर्तते, तो जगण का जब हम इसके लिए हम क्या करेंगे जब भी हमें गणना करनी हो और जगण या गण रगण कुछ ही पूछा जाए तो हम ये करेंगे ये माता राज या सर इस तरह से हम लिख करके और उसमें जो गण हम निर्धारित कर लेंगे। अब जगण है जग के आगे के तीन वर्ण हम इसमें निर्धारित करेंगे और हम माता लगाएंगे लघु गुरु और लघु, मतलब एक लघु गुरु और लघु ये चिन्ह इसका बन जाता है। आगे अब हम जो अगली क्लास में इन छंद आगे जो मात्र छंद हैं उनके भेदों को पढ़ेंगे।